अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ हैदराबादी दम चिकन की रेसिपी। ये चिकन बहुत ही खाने में टेस्टी होता है, तो आप भी ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा। इसे बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर सूखा खोपरा ले ली हूँ और 10 से 12 काजू और 10 से 12 बादाम लेके मैंने उसको बारीक पीस लिया है। ये मैंने 300 ग्राम चिकन ली हूँ, उसके अंदर मैंने डाल दी हूँ नमक, 100 ग्राम दही, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून के बराबर, 2 हरी मिर्च मैंने कट करके डाली हूँ। अब इसके अंदर मैंने प्याज को, मैंने 2 बड़ी प्याज को मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया था और उसको एकदम अच्छी से क्रश कर दी थी हाथों से, वो भी डाल दी हूँ। 10 से 12 लौंग, 2 हरी इलायची, 1 काली इलायची, 1 टेबल स्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा पाउडर, 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने डाली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टेबल स्पून के बराबर और 2 टेबल स्पून मैंने डाली हूँ देसी घी। इसके बाद मैंने ये डाल दी हूँ पेस्ट, जो मैंने काजू बादाम और खोपरे का पेस्ट बनाया हुआ था वो डाल दी हूँ। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 नींबू, 1/2 नींबू। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें धनिया पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने बाद में इसमें धनिया पाउडर ऐड की हूँ, वो अभी मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून के बराबर धनिया पाउडर का यूज़ की हूँ, जो कि मैं पहले डालना भूल गई थी, तो आप शुरू में ही डाल के एक साथ में सब मिक्स कर लीजिएगा। और इसको मैं 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी। आपके पास कम टाइम है तो आप 2 घंटे के लिए भी रख सकते हो। ये मैंने प्याज लाल की थी, तो वो सेम कढ़ाई में मैं इसको डाल रही हूँ। मैंने कढ़ाई धुली नहीं हूँ, उसी कढ़ाई के अंदर मैंने ये डाल दी हूँ। और इसको मैं लीड लगा के, क्योंकि ये मैं दम चिकन बना रही हूँ, तो मैं इसकी लीड लगा के इसको आटे से इस तरीके से एकदम सील कर दूँगी पूरे तरीके से। और इसको मैं 45 से 40 मिनट तक का पकाऊँगी, तब तक कि एकदम अच्छे से मेरा चिकन भी गल जाएगा। 45 मिनट हो चुका है, थोड़ा सा ये ठंडा भी हो गया है। अब मैं इसको आपको खोल के दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी मेरा दम चिकन, हैदराबादी दम चिकन बन के तैयार हो गया है। आप भी ज़रूर इसे बना के ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। आपके घर में अगर कोई मेहमान आ रहे हो तो इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। और मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।